कसरावत क्षेत्र के पुरानी रेपा गांव में खदान धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खनन माफिया अवैध रूप से उत्खनन का काम कर रहे थे, उसी दौरान पुरानी रेपा में खदान धंस गई और एक मजदूर इसमें फंस गया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए कसरावत के शासकीय अस्पताल लाया गया एवं पीएम के बाद मृतक के शव को परिवार के सुपुर्द किया गया। कसरावत एसडीएम द्वारा बताया गया कि आज ग्राम पुरानी लेपा में एक दुखद घटना खदान धंसने से हो गई, जिसमें राजस्व विभाग ने एक जेसीबी डंपर पर कार्यवाही कर जब्त की। और कसरावत पुलिस द्वारा भी बताया गया कि ग्राम लेपा से सूचना मिली थी कि एक मजदूर की मौत खदान के धंसने से हो गई है। तत्काल पुलिस टीम पुरानी लेपा पहुंची, जहां मृतक का शव खदान पर पड़ा हुआ मिला। कसरावत थाने पर मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। SDM व पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि राजस्व माइनिंग और पुलिस द्वारा खनिज माफियाओं और अवैध संग्रह के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, आज जो लेपा में जो कार्रवाई की गई है राजस्व की, क्या कार्रवाई की गई आज? आज जैसा कि सभी को पता है, एक दुखद घटना हुई, जिसमें एक मिट्टी उत्खनन करते समय मिट्टी धंसने से एक मजदूर की, लेपा निवासी की मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में जांच में पाया गया है कि जो उत्खनन चल रहा था वो पूरी तरह अवैध था, उसके लिए किसी की सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके संबंध में मृत्यु के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा थाना कसरावत द्वारा आपराधिक प्रकरण 304 में कायम किया गया है, उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अवैध उत्खनन के कारण जो वाहन और जो ट्रैक्टर का, उसको भी जब्ती में लिया जा रहा है और जिले से माइनिंग की टीम बुलाकर उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो पृथक से अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाकर आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार दर्ज। सर, आज जो ये लेपा रेत खदान वाला मामला था, क्या मामला था इसमें? सूचना मिली थी कि रेत की सूचना पर हम लोग मतलब ग्राम लेपा गए थे, वहाँ पर रेत की खदान पर देखा कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है? कोई आरोपी वगैरह कोई किसी के नाम आए? उसमें कुछ 2-3 लोगों के नाम आए हैं। ये मतलब है अपना मोहन केवट, आसाराम यूनुस और सोहन। इन पर क्या कोई कार्रवाई की गई है? हाँ, इन पर कायमी हुई है। किन धाराओं में? इसमें धारा 304 की कायमी हुई है। सर, इसमें आपका पूरा नाम? सर, मेरा नाम कार्यवाहक सोहनी बाबूलाल वास्कले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।